तो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब। तो देखिए, मैं सुबह सुबह लगी पड़ी हूँ बालकनी साफ़ करने में। घर की सफ़ाई मैंने पहले ही कर लिया और आज संडे है तो मैंने कहा कि आज मैं बालकनी साफ़ ही कर लेती हूँ। रोज़ रोज़ कहती थी कल करूँगी कल करूँगी, तो हो नहीं पाता था। तो अभी मेरा नहाना बाकी है तो इसलिए मैंने पहले घर की सफ़ाई की, फिर उसके बाद यहाँ की सफ़ाई। मिला कि काफ़ी टाइम लग गया, व्लॉग में उतना नहीं दिखेगा लेकिन एटलीस्ट 30 मिनट्स लगे मुझे यहाँ की सफ़ाई करने में। ये पिजन है ना, वही बहुत सारा गंदा करके रख देते हैं। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब, गुड मॉर्निंग। तो मेरा देखिए, आज घर के काम सब हो गए हैं, मतलब घर की सफाई हो गई, घर की क्लीनिंग हो गई है, झाड़ू पोछा हो गया है और आज मैंने ये बालकनी साफ़ किया है। गंदा, बहुत ही गंदा हो रखा था तो यहाँ थोड़ा आप साफ़ कर लिए तो यहाँ पे आराम से बैठ भी सकते हैं इवनिंग के टाइम पे। ये कबूतर है ना, ये कबूतर बहुत ज़्यादा गंदा कर देते हैं इसलिए यहाँ पे जल्दी से फिर बैठते भी नहीं हैं। अक्सर ये बंद ही किए रखती हूँ, कबूतर घर के अंदर ही चला जाता है इसलिए ये डोर जो है हमेशा बंद करके रखती हूँ। और मेरे बेटे का चेयर था यहाँ पे, मेरी बेटी का, वो भी मैंने धो दिया। और अभी टाइम जो हो रहे हैं, अभी 10 बज रहा है। ये बिंदी मैंने जब से सावन सोमवार के दिन मैंने बिंदी लगाया था, कल 8 दिन हो जाएगा। बिंदी ऐसी है ना कि निकल नहीं रही है, अच्छी वाली है, चिपकी है तो चिपकी है। और अभी 10 बज रहे हैं, नहा भी लिया है मैंने, बस मुझे खाना बनाना है। चाय मेरे हस्बैंड बना के रखे हैं, जा रही हूँ चाय पीने। वैसे मैंने एक बार चाय पी लिया है और कल मेरा व्रत है। और आप लोग मेरी वीडियो को लाइक नहीं करते, कमेंट्स नहीं करते, प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट्स कीजिए। मैं इतना मेहनत करती हूँ, मैं भी मेहनत करती हूँ तो मेरे मेहनत आप लोगों को दिखाई नहीं देता है। बड़े बड़े यूट्यूबर को सब कमेंट्स करेंगे, लाइक करेंगे और उनके वीडियो को भी फुल वॉच करेंगे। मेरे वीडियो में क्या कमी रहती है जो आप लोग कुछ भी लाइक नहीं करते हो, कमेंट करने को भी बोलती वो भी नहीं करते हो। प्लीज़ फ्रेंड, सपोर्ट कीजिए हमें भी, हम भी मेहनत करते हैं। तो चलो अभी बना लेती हूँ, पहले चाय पी लूँ फिर खाना बनाऊँ। अभी देखिए 10 बजे, हाँ बस 10:15 हो गया। तो आज बहुत दिनों के बाद मैं बनाने वाली हूँ इडली सांभर और पीनट्स की चटनी। तो ये जो इडली का बैटर है मैंने रेडीमेड मंगवाया है, तैयार मंगवाया है, क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था बिल्कुल भी, कि एक्चुअली मैंने भिगोया भी नहीं था और टाइम भी नहीं था तो इसलिए मैं तैयार लेके आई। उसमें मैंने थोड़ा सा सोडा डाला, थोड़ा सोडा से क्या स्पंजी बनेगा। और यहाँ पे मैं बटर ऑयल लगा ग्रीस कर ले रही हूँ इडली के जो इडली का जो सेट है बनाने वाला जो बर्तन है। और पानी को मैंने स्टीम करने के लिए रख दिया है। और यहाँ पर मैं सारे जो भी दोनों जो प्लेट है, दो ही प्लेट होते हैं इसमें, तो सब में मैं इसका बैटर में अच्छे से मैं डाल दे रही हूँ। और ये एक तरफ ही अपना इडली पकते रहेगी और वहाँ पे मैं साइड में देखो मैंने इमली के पल्स जो है उसे गर्म पानी में रख दिया है फूलने के लिए, क्योंकि मैं भूल गई थी पहले से रखना, इसलिए गर्म पानी में जल्दी भी हो जाता है। और यहाँ पे चने की दाल, मूंग की दाल और कड़ी पत्ता, उसे मैंने हल्का रोस्ट कर लिया है चटनी बनाने के लिए। और पीनट्स पहले ही से ही मैंने उसको हल्का रोस्ट कर लिया था। और जब ये सब सारा मटेरियल ठंडा हो जाएगा फिर मैं उसकी चटनी बनाऊंगी। और यहाँ पे मैं टमाटर और जो भी डालते हैं तड़के के लिए कड़ी पत्ता वगैरह वो सब डाल के और सांभर मसाला डाल दे रही हूँ, लाल मिर्च डालूंगी। और कल है सावन का सोमवार तो आज है संडे, तो एक दिन पहले से ही हम लोग लहसुन प्याज खाना अवॉइड करते हैं, नहीं खाते हैं, इसलिए सांभर में बस मैंने टमाटर ही डाला है और ये इमली के पल्स डाल दे रही हूँ। वो सारा बैटर मेरा रेडी हो गया है और यहाँ पर मेरी सांभर भी रेडी हो गई है तो मैंने डाल दिया ये। और ये भी मेरा ठंडा हो चुका है तो इसे मैं चलती हूँ मिक्सर ग्राइंड में ग्राइंड कर लेती हूँ तो चटनी बनके तैयार हो जाएगी। और ये होममेड दही है, दही भी डाल दे रही हूँ, इससे बहुत ज़्यादा टेस्टी बना था मेरी चटनी। फिर उसके बाद तड़का लगा दूँगी। और सादा मैंने दाल मैंने निकाल दिया है मेरी बेटी के लिए, क्योंकि वो तड़के वाली दाल या फिर सांभर वो खाती नहीं है, इसलिए मैंने पहले से उसके लिए थोड़ा सा मैंने निकाल दिया है, नहीं तो वो खा नहीं पाएगी। और यहाँ पे मेरी देखी चटनी बिल्कुल बनके रेडी हो गई है। थोड़ा सा इसमें थोड़ा सा मैं जो मिक्सर जार में पानी डाल के इसे मैं थोड़ा और भी ज़्यादा थोड़ा सा पानी डालती हूँ ताकि वो सेट हो जाए चटनी की तरह। और यहाँ पे मेरे इडली भी देखो ऑलमोस्ट पक चुकी है। बस तो बस मेरी इडली बनके रेडी हो गई है और ये ठंडा हो जाएगा तो इसे मैं
निकाल लूँगी, क्योंकि गरम गरम एकदम से निकलेगा नहीं, चिपका ही रहेगा। और मेरी सांभर भी रेडी हो चुकी है और कपड़े भी मैंने मशीन में डाल रखा है पहले से ही, कि खाना वाना खाएंगे जब तक, उसके बाद कपड़े भी मेरे हो जाएंगे। और कल सोमवती अमावस्या भी है और सावन का सोमवार भी है, दूसरा सोमवार, तो मुझे ना बहुत सारे सामान भी लेने हैं। सोमवती अमावस्या का दान का सामान लेती हूँ, जैसे मैं पूजा करती हूँ, सुहाग का चीज़ जैसे हो गया, सिंगार का सामान हो गया, नेल पेंट, बिंदी, सिंदूर और भी सारी चीज़ें, तो आप लोग वीडियो में देखना। तो वही से मुझे लाने जाना, और अभी शाम को हस्बैंड बोल रहे हैं जाने को, उनका ऑफिस वर्क है तो वो अभी कर रहे हैं, छुट्टी के दिन भी उनका काम मतलब चालू ही रहता है। तो अभी तो फ़िलहाल हम लोग खाना खाएंगे, उसके बाद देखते हैं शाम को कितने बजे निकलना है कितने बजे नहीं, क्योंकि जाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और यहाँ मेरी चटनी में देखो मैं तड़का लगा रही हूँ, कड़ी पत्ता और थोड़ी सी लाल मिर्च पाउडर डाल दिया है, कश्मीरी लाल मिर्च, थोड़ा देखने में थोड़ा रेड जैसा लगे, और छोटी वाली जो राई आती है वो डाला है। तो चटनी मेरी तैयार हो गई है, खाने के लिए बिल्कुल रेडी है। तो मेरे पास टाइम था तो मैंने कहा बेडशीट की भी चादर बेड जो है बेडशीट चेंज कर देती हूँ, क्योंकि जब मैं सो रही थी तो बच्चे सब सो ही रहे थे जब मैं उठी थी तब, तो इस वजह से टाइम मिला नहीं, मौका नहीं मिला, मैं घर की सफाई में लग गई। तो अभी खाली टाइम था तो मैंने कहा बेडशीट वगैरह मैं यहाँ पे चेंज कर लेती हूँ, और ये भी साइड में वहाँ बैठ के पता नहीं क्या कर रहे हैं, कोई काम ही कर रहे होंगे, और बच्चे टीवी देख रहे हैं। तो अभी बस अब यहाँ के बाद सीधे किचन में आऊँगी, खाना सर्व कर रही हूँ सबके लिए। रोशन को आज मैं फ़र्स्ट टाइम खिला रही हूँ इडली सांभर, मे भी उसे पसंद आए, वो खाया है पहले भी लेकिन मेरे हाथ का नहीं खाया है। तो यहाँ पे देखिए मेरी इडली सांभर बन के रेडी हो गई है। चलो चलो आप लोग भी आ जाओ संडे का डिनर लंच करने। तो गाइस आ जाइए आप लोग भी गर्मा गर्म इडली और सांभर खाने। तो हम लोग तो चल रहे हैं खाने, और क्यों लगी है भूख, टाइम देखो बहुत ज़्यादा हो गया है, 12:30 बज गए हैं, 12:40। तो चलो चलते हैं खाने। तो हमारा खाना चल रहा है यहाँ पे, और साथ में टीवी भी देखा जा रहा है, कोई मूवी चालू थी। तो रसन को भी पसंद आया खाना, पूछा हमने तो हम लोग बस खा रहे हैं, बच्चे तो पहले ही खा लिए थे, बच्चे को इडली और सांभर, मेरा बेटा खाया 2 इडली खाया और बेटी मेरी 1 ही इडली खाई। तो बस खाना वाना हम लोग खा ले रहे हैं यहाँ पे। तो खाना खाकर जैसे ही मैं उठी, मेरा मशीन कप का बच चुका था, मतलब कपड़े जब धुल जाते तो मशीन से आवाज़ आती है, जब हम खाना खा रहे थे तभी आवाज़ आ गई कि कपड़े मतलब कंप्लीट हो चुके हैं, मशीन बंद करना था। तो खाते वक्त उठी तो नहीं, खाना खाने के बाद ही आराम से उठी, फिर मशीन को मैंने ऑफ़ किया और कपड़े लेके तो अब यहाँ पे मैं डाल दे रही हूँ, आराम से सूखते रहेंगे पूरे दिन भर। मैं कर रही थी अपने वीडियो का एडिटिंग, फ्री होके एडिट हो गया, अपलोडिंग पे डाल दिया है, और बच्चे बस खेल रहे हैं। और ये देखो इतना सारा कड़ी पत्ता ले आए, मेरे लिए बहुत अच्छा है, इसको मैंने डब्बे में रख लूँगी। और सबको क्या मतलब, देखो अभी मैंने कुछ किया भी नहीं, कंघी वंघी कुछ नहीं किया है, मेहंदी भी लगाना था लेकिन लगा नहीं पा रही हूँ, वीडियो से छुट्टी नहीं मिलता, काम से छुट्टी नहीं मिलता। हूँ तड़का लगाने जा रही हूँ इसका, मैं इतनी बच गया था, ढेर सारा बच्चों ने खा भी लिया ऐसे ही बचा हुआ, तो सोच रही हूँ क्योंकि सांभर है नहीं तो इसको तड़का लगा देती हूँ, नाश्ता हो जाएगा। तड़तड़ाने लगे, हमारी देखो चटपटी इडली तैयार हो गई है, हमारी चाय भी रेडी हो गई है, पक गई चाय, पैर में दर्द हो रहा है। चलिए फ्रेंड्स हमारा चाय नाश्ता रेडी है, चलते हैं खाने और साथ में चाय पीने। खा के बताइए कैसा है, रोशन सो रहा है कैसा है, हैं अच्छा है, आराम हूँ अभी। अभी मैं जा रही हूँ मार्केट, कल पूजा करना है तो पूजा का सामान लेने, और रात के बज रहे हैं 8, और अभी मुझे खाना भी बनाना है, लौट के आऊँगी तो
थोड़ा बहुत मैंने बना लिया है। और आज हस्बैंड नहीं जा रहे साथ में, हस्बैंड नहीं जा रहे हैं साथ में, वो अपना ऑफिस का वर्क कर रहे हैं, ऑफिस वर्क। बच्चे को ले जा रही लात के, जहाँ जाऊँ ले जाऊँ। टांग तो निकल चुकी हूँ मैं मार्केट के लिए, और आज संडे है तो संडे के दिन तो मार्केट में ऐसे भी भीड़ पड़ी रहती है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं चूड़ी की दुकान पे आई हूँ, चूड़ी की लारी लगाया है। तो मुझे यहाँ से चूड़ी लेना था, खुद के लिए नहीं, जो मैं पूजा के समय दान पे चढ़ाऊँगी, पूजा करूँगी, उसके लिए ले रही हूँ। तो जिसको भी मुझे देना होगा वो ये यूज करेगा, पहनेगा, तो पहनेगा नहीं पहनेगी लेडीज़। तो देखो ये चूड़ी ले रही हूँ, बड़ी तो नहीं लग रही, इससे बड़ी नहीं आती है। ये 2-8 का साइज़ है। दो आठ, ये 2-8 है, 2-8। तो बाकी की चीज़ें लेने के लिए मैं दूसरे शॉप पे आई हूँ, जहाँ पे सिंगार के नोवेल्टी के सामान मिलते हैं। तो चूड़ी, बिंदी, सिंदूर, मेहंदी, ये सारी चीज़ें मुझे यहीं पे मिल गई थी एक ही शॉप पे, मुझे अलग अलग जाना नहीं पड़ा, तो ये अच्छा। और बारिश भी आने लगी थी अचानक से, मतलब मौसम बना ही था, हल्के से छींटे पड़ने लग गए थे, उतनी ज़ोर से नहीं आई थी लेकिन बारिश चालू हो गई थी। तो ये मैं ले रही हूँ सिंदूर, रेड कलर का सिंदूर लिक्विड वाला। हाँ 20 का ही दे दो, लाल रंग का दे दो, लाल या मैरून। 1, 2, 3, 4 नहीं, यहाँ से सामान, इतना सामान लिया है अभी, और बाकी है ब्लाउज का पीस, मेरा बैक साइड का दिख रहा है, और बारिश भी आने लगी। फ्रेंड्स अभी पहुंच रही हूं मैं घर, अब चल रही हूं खाना बनाने। अभी चल मैं दाढ़ी सेट करा जा, अब देख लो दाढ़ी सेट कराने जा रहे हैं, रात के 9:15 बजे। अब मैं जा रही हूं खाना बनाने। वैसे मैं आटा लगा के गई थी और दाल भी मैंने बना कर ही मैं दाल गई थी बना के, और सब्जी भी काट के। सब्जी को बनाना है, चावल बनाना है, रोटी बनाना है, दाल में तड़का लगाना है, दाल फ्राई करना है। तो मिलते हैं आप लोगों से। कल पूजा का सामान भी ले लिया है मैंने, सब तैयारी भी करनी है। कल सोमवती अमावस्या भी है और सावन का सोमवार भी है, तो अभी वीडियो बनाऊंगी, बहुत हो जाता है लंबा, एक्टिंग करने में मुझे बहुत प्रॉब्लम होता है, इसीलिए मैं यहीं पे वीडियो पैन करती हूँ। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी नए हैं हमारे चैनल को तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। बाय, टेक केयर और बाय।